हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब ओके ना एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रेम इज परफेक्ट ओके स्टार्ट गाड़ी करो अरे मेरे को कुछ तो भी यहाँ दिखा मैं एक मिनट चेक करके आता हूँ उस मरे हुए जानवर की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण मौत नहीं है। इस बकरी का किसी ने शिकार किया है। शायद 6 महीने के बाद वो वापस लौट के आई है, जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। रितेश और मैं कुछ सबूत ढूंढ रहे थे, जैसे कि पगमार्क, पर बरसात के कारण वो सब मिट गए थे। और तभी हमें नयन का फोन आया। नयन हमें उस शिकार के बारे में बता रहा था। उसके मुताबिक वो लेपर्ड ही था। उसने हमें शांताराम के बारे में बताया, जिसने कुछ दिन पहले उसे देखा था। हम दूसरे दिन ही शांताराम के घर पहुंचे ताकि हमें उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। मैं गाड़ी से घर वापस आ रहा था, तब मैंने मेरे घर के इस आंगन में उसे देखा। मुझे देखकर वो यहाँ से पीछे चला गया। तब मेरा पोता भी यही था, उसने भी उसे देखा, पर फिर भी तेंदुए ने उसे कुछ नहीं किया और वो चला गया। पहले ऐसा लगता था कि तेंदुआ हमला करेगा, पर अभी ये बहुत सामान्य बात लगती है कि वो यहाँ पे है ही, और अभी जिंदगी भर उसके साथ ही रहना पड़ेगा। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। ये सर्वे कर रहे थे कि एग्जैक्टली लेपर्ड है या नहीं, तो जिन स्थानिक लोगों से हमारी बातें चल रही थी उनके कहने पे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि यहाँ पे लेपर्ड अभी है, जिस टाइम में हमने प्रोजेक्ट चालू किया था। तो दैट इज द फर्स्ट डाउनफॉल ऑफ अवर प्रोजेक्ट, कि हम यहाँ पे जाए या नहीं जाए, ये करे या नहीं करे, क्योंकि ये बहुत ही एक लाइन थी, एक बहुत ही थीन लाइन थी जिस लाइन पे हम चलने वाले थे। शांताराम ने बताई हुई घटना को कुछ 2 महीने गुजर चुके थे और वो घटना सबसे लेटेस्ट थी जिसमें किसी इंसान ने अपनी आंखों से उसे देखा था। फिर भी 12 दिनों तक 1% पॉसिबिलिटी पे हमने हमारा ये सर्च ऑपरेशन जारी रखा और 12 दिनों के बाद हमें कुछ सबूत मिले। पहला हमारा पॉइंट था कि ये लेपर्ड किसके ऊपर अपना गुजारा करते हैं, ये क्या खाते हैं, ये मरे हुए जानवर खाते हैं या ये शिकार कौन सी करते होंगे, क्योंकि ये तो जंगल नहीं है, ये तो शुगर केन फार्म से, तो ये शिकार क्या करते हैं? माझा ना ये कारण का मी संध्याकाळचा आता जसं जाणवले तसं मी माझे मेरा कुत्ता में जैसे ही शाम होती उसे घर के अंदर रखता हूँ, पर 8 दिन पहले हमारे पड़ोसी के 3 कुत्ते उसने मार डाले। पिछले हफ्ते में तो उसने बहुत परेशान किया था, हमारे यहाँ 6-7 कुत्ते थे, सब उठा के वो लेके गया। उस गांव में वो फिर से एक्टिव हो चुकी थी, कई सारे कुत्ते मारे जा चुके थे। हमारा काम सिर्फ उसे ढूंढना और लोगों में अवेयरनेस फैलाना था, इसलिए छोटे छोटे सबूत को जांचना ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिला क्या? उधर भी मिला है शायद। किधर? उधर भी, वो साइड में भी मिला है। चलो हम उधर जाते हैं। हाँ, तो पूरे डॉग्स के बाल है, वाइट कलर का, ये छोटा था क्या? कुत्ते के बाल खेतों में बिखरे हुए थे, पर ना कोई उसके अवशेष थे ना लेपर्ड के पगमार्क। शिकार हुए 5-6 दिन गुजर चुके थे, इसलिए लेपर्ड का ही काम होगा ये बता पाना मुश्किल था, पर 2 दिन के बाद हमें कुछ और पक्के सबूत मिले। कुत्ता शायद वो दरवाजे के यहाँ था और तब वो तेंदुआ यहाँ से आया होगा। सुबह सुबह मेरे को अमोल जी का फोन आया और वो बोल रहे थे कि आज 4 बजे सुबह लेपर्ड का अटैक हुआ है, तो हम उस पोजीशन पे पहुँचे, हम उस लोकेशन पे पहुँचे और हमने वो देखा कि कुत्ते के ऊपर अटैक हुआ है और उसकी गर्दन को पकड़ा है और उसके इधर इस साइड में पूरे नाखून के निशान है। तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि लेपर्ड को एग्जैक्टली परफेक्ट तरीके से उस कुत्ते को शिकार नहीं हुआ, इसलिए वो और कुछ तो भी आवाज़ हुआ होगा इसलिए वो भाग गया होगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली
ये जो खेत है इसमें हमको पूरे पग मार्क्स दिख रहे हैं और हम वो पग मार्क को फॉलो करके ये चेक कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ मूव हुआ है। हाँ, पूरे यहाँ पे पूरे पग मार्क थे, वहाँ से स्टार्ट हुए। हाँ। यहाँ से वो शायद लगता है कि उस साइड गए। लेपर्ड के पगमार्क खेतों में से अचानक गायब हो गए। इतने बड़े एरिया में उसको ढूंढना, ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। 15 दिनों तक जीरो आउटपुट पे काम करना बहुत ही डिप्रेशन जैसा फीलिंग था, पर फिर भी हम डटे रहे। जो मेरे टीम में थे, जो हमारे टीम में थे, वो जॉब भी करते और जॉब करके फिर से इस सारी चीज को, मतलब 24 आवर्स वी आर एक्टिव, 24 आवर्स हम बहुत इसमें पूरा हमारा पूरा पसीना, मेहनत, सब हमारी नींद, हमारा खाना हमने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था ताकि एक अच्छे काम हो सके, एक अच्छा अच्छी चीज़ हो सके। तो फिर ऐसी ऐसी बातें होने लगी और फिर लोगों हमारे टीम का हौसला जो था वो धीरे धीरे डाउन होते गया। एंड दैट इज़ समवेयर मेरे को ऐसा लगा कि यार अभी हम इतने आगे चले गए ना कि अभी बैक भी नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। हमें हमेशा लगता है कि हमारे एफर्ट्स 100% होते हैं, पर उस एफर्ट्स में भी एक छोटा सा लूप होल होता है जिसे ढूंढने की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही हमें आगे का रास्ता मिल पाता है। हमें एक फोन आया रात को लगभग 10 बजे कि मेरे एक दोस्त ने लेपर्ड के दो कब्ज देखे हैं और वो शुगर फार्म में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन उसने एक वीडियो बनाया, आप देख लो एक बार वो लेपर्ड ही है क्या। तो फिर वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे आया और व्हाट्सएप पे आने के बाद फिर मैंने कंफर्म कर लिया कि ये लेपर्ड ही है। रितेश का मेरे को वो वीडियो फॉरवर्ड हुआ और मैंने देखा कि यार ये कहाँ पे है, ये कहाँ मिला। तो ही सेड जहाँ पे लेपर्ड को इतनी टाइम से हम जहाँ पे ढूंढ रहे थे उसके बगल वाले गाँव में ये लेपर्ड स्पॉट हुआ है और वो भी कब्स। इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 0.5% रह गया था कि हम ये बिलीव कर रहे थे कि लेपर्ड हमको स्पॉट होगा, एंड दैट इज सडनली चेंज। मारद रहा टॉर्च, मारद रहा टॉर्च, इकड़े मार, फ्रंट ला मार रहा है, फ्रंट ला, इकड़े राइट ला। उसी दिन रात को हम जस्ट गए और यहाँ पे खेतों के जस्ट साइड में एक फीमेल लेपर्ड थी, वो जा रही, वो हमारे सामने से ऐसी निकल रही है और फिर अरे कैमरा निकालो और कैमरा निकाला और तब तक वो जा चुकी थी। हार्डली हमको 3 या 4 सेकंड के लिए लेपर्ड दिखा होगा और तब सब लोग गालियां दे रहे थे एक दूसरे को कि क्या यार। तब जाके सब में ऐसा खतरनाक वाला जोश भर गया और सब लोग एकदम एक्साइट हो गए कि यार इस एरिया में लेपर्ड है। हमारी खुशी नेक्स्ट लेवल पे थी। ऑलमोस्ट 18 दिन के बाद हमें पहली बार लेपर्ड दिखे थे और वो भी 2 फीट की दूरी पे। 2 दिन तक कंटिन्यूसली रात को हमें उसी एरिया में लेपर्ड स्पॉट हुए। पहली वाली लेपर्ड एक फीमेल लेपर्ड थी जो कि एक कब के साथ थी और दूसरे लेपर्ड के बारे में हम थोड़ा कन्फ्यूज थे, पर फिर भी वो वही फीमेल होगी ये सोच के हमने वो बात इग्नोर कर दी। इस दूसरे गाँव में अब हमने दिन में सर्वे करना ठीक समझा। अपने को शायद 40 mm का शिफ्ट करना पड़ेगा, 85 mm लगाना पड़ेगा। पग मार्क दिख रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी झाड़ पे चढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा एक चेक कर लेता हूँ। मोबाइल से शूट करके रखूँगा, अपने को आइडिया आ जाएगी। 1 मिनट मोबाइल दे दो ना, सेट करने को। हाँ भाई, फीमेल इस साइड गई है। मेरे भाई के लड़के ने सुबह 6:30 बजे बच्चों के साथ उसे देखा था। वो बच्चों के साथ खेतों के अंदर नहीं तो खेतों के बाहर यहाँ रोड पे खेलती हैं। हम तो यहाँ आते नहीं हैं क्योंकि हमें ये बात पता है आप मिले इसलिए, नहीं तो हम क्या पागल हैं यहाँ रुकने के लिए। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे कुत्ते थे, वो हमें काटने के लिए दौड़ते थे, पर अभी यहाँ एक भी कुत्ता बचा नहीं है।
अभी घर जाने के बाद सीधा कल सुबह 9 बजे आऊंगा, वो भी किसी के साथ। ऐसे एक आदमी को देखा जो हमेशा खेतों में काम करने से पहले वो टन 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 करके ऐसा बजाता था और उसी वो प्रिकॉशन लेता था। जब उससे मुलाकात हुई तो उसने हमको ये दिखाया कि ये देखो सर, यहाँ पे पूरे खेत में लेपर्ड के पगमार्क फैले हुए हैं। फिर बाद में डे में सर्वे करने के बाद हमें पता चला कि एक शुगर फार्म ऐसा नहीं था कि जिसमें पगमार्क नहीं थे। हर जगह हमें पगमार्क दिखे, हर जगह हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखा जहाँ से लेपर्ड चला गया है। फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाना चाहिए नाइट में। किधर देखा था? ये सामने सामने यहाँ पे दिखा कुछ नहीं है, दिखा कुछ नहीं, लेकिन ये जो स्पेस है ना पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट। ये एरिया खतरनाक है, ये एरिया। इधर से आके देखो, इधर से आके देखो देखना, ये एरिया देख के 101% लेपर्ड यहाँ होगा। सर्वे के दौरान हमें एक बहुत ही खुफिया जगह मिली, वो एक नाला था। इस नाले में ऐसे रात छुपे हो सकते थे जो लेपर्ड को ढूंढने में हमारे बहुत काम आने वाले थे। उधर जाएंगे और वो टैप कैमरा में कुछ फाइंडिंग्स हुआ है कि ये हम चेक करेंगे। देखो पगमार्क है इधर, इधर पगमार्क ही पगमार्क है। टैप कैमरा में कुछ नहीं आया। इस हंसी के पीछे एक जिज्ञासा थी, नाले में घुस के वहाँ का एरिया एक्सप्लोर करना था। ये बहुत खतरनाक होने के बावजूद भी हम पहली बार वहाँ गए। This is the perfect spot. वो यहाँ पे पानी पीने आ सकती है। But this is the actual source of water that she will get all the year. पर यहाँ बहुत शांति है और लोगों से काफ़ी दूर है, तो ये दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट दैट मे बी शी इज़ रिलैक्सिंग एंड रेस्टिंग रेस्ट ऑफ द डे, तो ऐसा मेरे को लगता है। पर अभी तक यहाँ पगमार्क पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज पूरा ज़मीन पे पत्ते गिरे हैं, सूखे पत्ते हैं, तो वो आती भी होगी तो भी पगमार्क यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इधर से आएगी ना तो ऐसा इतना हाइट पड़ेगा, ये आएगा के थोड़ा डाउन डायरेक्शन, डाउन थोड़ा टिल करूँ ना, इतना 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 होगा ना। जो कल लगा था वो कैमरा का पोजीशन सेम रहेगा, सिर्फ ये कैमरा जो ट्रैप कैमरा वो उधर लगा था, वो आज हम खेत के इस पार लगा रहे हैं। नहीं नहीं, वो पाइप है नहीं नहीं, वो नहीं पाइप नहीं है, रोड पे उसकी रोड की साइड में वो है सामने कुछ तो है, खरगोश है। हमारे टीम मेंबर की इसी टाइम बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर एक व्यक्ति ने, नॉट अ सिंगल पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, वो मोबाइल लेके घंटों तक देखता रहता था। इसका एक घंटा हुआ है, वो दूसरा वही मोबाइल दूसरे को देता था कि अरे अभी 360 कैमरा पे तू भी चेक कर, अगर दिखा तो तेरे को क्लिक करना है, क्योंकि उसमें आपका जस्ट मूवमेंट ऐसा हुआ और वो अगर कैमरा के सामने से निकल गई तो फिर बहुत सब फील होने वाला था। और बाद में फिर हमने थोड़ा कैमरा ट्रैप्स के थोड़े से एंगल चेंज कर दिए, और एंगल चेंज करने के बाद फर्स्ट टाइम वहाँ पे कैमरा ट्रैप में लेपर्ड रिकॉर्ड हुआ। सिर्फ कुछ स्टडी के बेसिस पे इतने बड़े एरिया में एग्जैक्ट लोकेशन पे कैमरा लगाना और उसमें लेपर्ड स्पॉट होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज इस प्रोजेक्ट में कुछ हद तक हम कामयाब भी हो चुके थे। इस गांव में कभी आपको तेंदुआ दिखा है क्या? मेरे पैर को लगा है इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। आपने कभी देखा है उसे? तेंदुआ कभी दिखा है क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं दिखा, पर सामने वाली बस्ती में दिखा है। ये पहले खाली जमीन थी पर अभी यहाँ फसलों के कारण पगमार्क बहुत ही कम नजर आते हैं। नहीं, पर आपने कभी उसे देखा है क्या? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ कभी रात को आपने तेंदुए को देखा है क्या? नहीं। इस 8-10 दिनों में कभी देखा है क्या? हम रात को इधर आते ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि तेंदुआ पिछले 3-4 सालों से इधर है।
मुझे लगता है ये तेंदुआ इस कोरोना के महामारी के वक्त से ही इस इलाके में दिखने की शुरुआत हुई होगी। उससे पहले इतने सालों तक मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। मुझे तो कभी दिखा नहीं है। 24 घंटे में इधर हूँ, पर आज तक कभी भी नहीं दिखा। शायद वो है, मुझे लगता है कि किसी आदमी ने उसे देखा होगा, पर आज तक किसी औरत ने उसे नहीं देखा। मुझे तो नहीं देखा, पर वहाँ मेरे भतीजे ने उसे देखा है। अभी तक ऐसा हो रहा है कि अगर हमारा आवाज आया तो तेंदुआ वहाँ से गुर्राता है, यानी कि वो हमें बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ। इतनी समझदारी अभी तक हम दोनों में है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। तो जब हमने वहाँ पे लोगों से बातें करना चालू किया ना, तो हमको ये यकीन हो गया कि लेपर्ड यहाँ से बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 3-4 सालों से। और हमने खेतों में लोगों को पूछा कि आपने लेपर्ड को देखा है, तो दे से नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो हमको ये यकीन हो गया कि यार लेपर्ड अपना काम कितना बखूबी निभा रहा है। अगर वो 3-4 साल से उसी एरिया में रह रहा है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो कितना समझदार एनिमल है। तो मैं ऐसा उस टाइम सोचने लगा कि हम क्यों नहीं ये समझदारी रखते हैं। इसकी मूवमेंट इधर से ऐसे है, ये पगमाक इधर है और ये पगमाक है, ये फिक्स कल रात को मूवमेंट कर चुकी है। यहाँ पे अभी हम 360 कैमरा सेट कर रहे हैं, जो हमने दो दिन से वो कर रहे हैं। हम लोकेशन चेंज नहीं कर रहे, पर उसका मेन जो है वो इसी साइड है, वो हमेशा यहाँ से इधर और यहाँ से इधर मूवमेंट कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हम उसको अच्छे से कैप्चर अभी तक नहीं कर पाए, पर ये पगमाक कल रात के हम जाने के बाद के है। क्लियर विजन। ओके गाइज, वी हैव डन और अभी हम निकल रहे हैं, चलो लेट्स गो। सेकंड यहाँ पे अपने को वो टूटा हुआ पेड़ है ना, वहाँ पे मिला। अच्छा, ये ऐसा रोड है। हाँ, ये ऐसा रोड है। और थर्ड जो मिला ट्रैप कैमरा में लेपर्ड सेकंड टाइम स्पॉट हुआ था। थोड़ी देर के बाद रात के 2 बजे हम कैमरा ट्रैप निकालने के लिए उसी जगह पहुंचे और तभी वो हमारे सामने से फिर से खेतों में गायब हो गई। मैं ऐसे ही कैमरा में, मेरे वाले कैमरा में मैं ऐसा देख रहा था और सडनली आशीष बोला, अरे लेपर्ड। बोला कहा? तो जहाँ पे हमने 360 कैमरा लगा था उसके नीचे से ही लेपर्ड गया। मैंने तो देखा नहीं, जिस पॉइंट पे हम उतरने वाले थे उसी टाइम वो लेपर्ड 2 बजे रात को उसी उसके ट्रैप कैमरा के नीचे से चला गया। फिर हमारी सच में फटी थी, मतलब सच में, मतलब आशीष की नहीं तो मेरी, तो मतलब मैं फ्रैंकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी तो फटी थी। और उस टाइम वहाँ जाके वो कैमरा लेना, बहुत तो हमने वहाँ पे बहुत टाइम बिताया। और मैंने आशीष को बोला कि भाई अगर हम उतर रहे तो हमको गाने लगाने पड़ेंगे, मोबाइल पे गाने लगा दूँ और चल, और ज़ोर ज़ोर से बातें करके हम जाएंगे ताकि उसको पता चले कि हम यहाँ पे हैं, तो ताकि वो दूर चला जाए। गेटला धोनी मोबाइल ये गेटला मागे नको भगो असा असा सर असा असा सर असा असा सर असा असा सर। तो अभी मेरे माइंड में वो सब बातें चलने लगी। मैं सोचने लगा कि यार मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ कि लेपर्ड से डरो मत, लेपर्ड बहुत चाय है, लेपर्ड कुछ नहीं करता, ये करता है, वो सच बात है, उसमें कोई भी डाउट नहीं कि लेपर्ड जानबूझ के कुछ करेगा, पर वो डर का क्या करे? डर तो सभी को लगता है, तो वो डर कैसे कम करे? वो मैं सोच रहा कि यार मेरी तो फटी है, मैं ये डर कैसे कहाँ से कम करूँ? कुत्ता हमसे डरता है और हम कुत्ते से, बराबर? तो वो पालतू है इसलिए हम उससे बहुत कम डरते हैं। 70% हम उससे नहीं डरते क्योंकि हमें उसके बारे में पता है कि वो क्या कर सकता है।
वैसे ही तेंदुए के बारे में हम इतना नहीं जानते। बाघ या तेंदुआ एक खतरनाक जानवर होते हैं, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। गलती से हुई किसी वारदात को ही हम बिना सोचे समझे उसे सच मानकर तेंदुए से डरने लगते हैं। हमारी ये गलत सोच है कि वो एक खतरनाक जानवर है। वास्तव में वो खतरनाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शर्मीला और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाला जानवर है। उसके बाद फिर हमने ये स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में लेपर्ड है कितने। शायद ये अलग लेपर्ड हो सकता है, लोगों ने जो देखा है वो अलग लेपर्ड हो सकते हैं, कब किसी और लेपर्ड के हो सकते हैं, तो यही दिमाग में चल रहा था। और उसी बीच एक हमें खबर आई कि गांव में एक डॉग किसी का तो लेके गया है। लेपर्ड द्वारा कुत्ते की शिकार होना एक आम बात है, पर शिकार एक दिन के बाद हो रही थी, यानी कि ये तो पक्का था कि उस एरिया में सिर्फ एक ही लेपर्ड नहीं है। तेजस हमें जहां कुत्ता मारा गया था उस जगह पे लेके गया। हमें कुछ पक्के सबूत की आवश्यकता थी ताकि शुगर केन लेपर्ड के बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर सके। है क्या उधर? स्मेल आ रहा है। स्मेल तो बहुत आ रहा है। दांत और यहाँ से पूरा कम्प्लीटली उसको फाड़ा है। कुत्ते का बेल्ट भी है यहाँ पे। यहाँ पे ये किसी का पाला हुआ कुत्ता लेपर्ड लेके गए जाके यहाँ पे आया। हमको जो लेपर्ड स्पॉट हुआ है वो यहाँ से पेट्रोल पंप के पीछे वाला कितना 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर। पहले दिन मुझे यहाँ पे वो दिखा, फिर बाद में तीसरे दिन जब मैं पानी देखने आया तब मुझे बास आया। उसकी वजह से मुझे ये समझा नहीं, मैंने बच्चे नहीं देखे, सिर्फ तेंदुए को देखा। सुबह 7:30 या 8 बजे मुझे दिखा। हाँ, वो मेरे सामने था और मैं यहाँ खड़ा था। मैंने तेंदुए को देखने के बाद मैंने अपने रास्ते चला गया और वो अपने रास्ते। कुत्ते को बेल्ट के साथ उठाकर फिर घसीटकर खेतों के बीच में लाया गया था, फिर उसे खाया होगा। आसपास कोई भी सबूत नहीं थे। अभी हमें ये कहानी आधी अधूरी समझ में आई थी, इसलिए हमने सर्वे को और मजबूत किया। पर अगर ये तेंदुए का काम है तो सिर्फ कुत्ते की ही शिकार क्यों हो रही थी? मतलब बाकी के जानवर भी तो थे। मनुष्य ने क्या किया है कि बकरी उसकी, खेती उसकी, गाड़ी उसकी, बंगला भी उसका, रास्ते भी उसके, पूरे पृथ्वी का मालिक सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसी सोच रखी है। उसके कारण कहीं ना कहीं जानवरों पे अन्याय हुआ है। उनको रहने के लिए जगह नहीं, तो जानवर ने खुद में बदलाव लाने की शुरुआत की। उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो खाएंगे क्या? इसलिए उन्होंने दूसरे विकल्प ढूंढे। जैसे हमें कुछ नहीं मिला तो हम चने खा के दिन निकालते हैं, अगर पैसे ना हो तो वड़ा पाव खाते हैं। वैसे ही तेंदुआ कुत्तों की शिकार करके अपने दिन गुजार रहा है। कुत्ता उसके लिए एक आसान शिकार है और कुत्तों की तादाद भी बहुत है, इसलिए वो ज्यादातर उनकी ही शिकार करता है और अपने बच्चों को भी वही सिखा रहा है। सर्वे के दौरान हमें जहाँ से कुत्ता उठाया था उस घर के बारे में पता चला और फिर इस हादसे को लेकर कुछ और सवाल पूछने के लिए हम उनके घर पहुँचे। मुझे क्या पता, उसे मीठा खाना होगा तो गन्ना भी खाता होगा। क्या लगता है आपको? मैं कुछ इतना नहीं जानता, पर शायद इस घर से वो कुत्ता तेंदुए ने उठाया होगा। अक्षय का घर यही से है क्या? हाँ, यही से नीचे है, बहुत नीचे है उनका घर। वो हमारा कुत्ता लेके गया। कितने दिन हुए? शायद 8 दिन हुए होंगे ना? कितने दिन हुए होंगे? 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हुए हैं। इस दरवाजे से उठा के लेके गया। तब कितने बजे थे? 2 या 2:30 हुए होंगे। रात के? हाँ, और उसके बच्चे भी देखे थे। कहाँ? यहाँ से आगे। उसके बच्चे आराम से जा रहे थे। कितने छोटे थे? बहुत छोटे छोटे हैं, लाल रंग के धब्बे हैं, बाघ जैसे बड़े बड़े कान हैं। उनकी माँ थी क्या? उनकी माँ नहीं थी, वो होती तो मुझे मार डालती। आपके सामने थी क्या वो? फिर क्या किया उसने? मैं गन्ने के खेत देखते हुए जा रहा था और वो बैठी हुई थी, मेरा ध्यान नहीं था इसलिए मैं उसके नजदीक आया, तब उसने जोर से गुर्राया और वो खुद भाग गई। वो खुद भाग गई इसलिए अच्छा हुआ, नहीं तो मैं बहुत डर जाता। नहीं।
उस घर को देखने के बाद और घर वालों से बातें करने के बाद तेंदुए के बारे में कुछ और जानकारी उजागर हुई। उसे पता होता है कि लोग कब सोते हैं। अगर शिकार करते वक्त कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो खूब जानता है कि छुपना कहाँ है। वो हमेशा प्लान बी यानी कि बैकअप प्लान के साथ ही आगे बढ़ता है। पर अगर ऐसी सिचुएशन में वो अचानक से सामने आ जाए तो हमें भी बैकअप प्लान के साथ ही चलना होगा। पर क्या होगा ये बैकअप प्लान? ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसके बारे में सवाल पूछा। ये सच बात है कि हम लोगों में तेंदुए के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, पर जब खुद पे समय आता है कि तेंदुआ हमारे सामने है और हम उसके सामने हैं, तो परिस्थिति अलग हो जाती है। या ऐसे समय में अगर उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा तो हम कोई भी शोर नहीं करते हुए वहाँ से चुपचाप चले जा सकते हैं। जर तो समोरच आला 10 मीटर वर तर तुम्ही स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी। पर अगर वो अचानक से सामने आ जाए तो हम शोर मचा के वहाँ खड़े रहे ताकि दूसरे लोग आपकी आवाज सुन के आपकी सहायता करने आ सकते हैं। ये एक आसान नुस्खा है जिससे आप ऐसी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि तेंदुआ भी शोर शराबे से डरता है। आवाज आने तो तुमच्यापासून दूर पळू शकतो। हा एक उपाय आहे। सो असल में लेपर्ड सेम एरिया में 4 बार स्पॉट हुआ था और उसकी डायरेक्शन हमेशा यहाँ से यहाँ थी। इस एरिया में कुत्तों की शिकार हो रही थी क्योंकि गांव यहाँ से नज़दीक था। पर इस एरिया में ऐसा क्या था कि वो बार बार यहाँ से यहाँ जा रही थी? शायद उसके बच्चे होंगे या फिर शायद कुत्तों के अलावा कोई और जानवर भी होगा जिसकी वो शिकार करती होगी। तो हम धीरे धीरे फेलियर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हर टाइम पे दिमाग में यही आ रहा था कि यार लेपर्ड का फुटेज ठीक से नहीं आया। हमें लग रहा था कि जहां लेपर्ड 2 बार सेम एरिया में कैमरा ट्रैप में स्पॉट हुई थी तो फिर यही सही लोकेशन होगा जहां शायद हम उसके कब्स भी स्पॉट कर सके। पर उसके बाद वो कभी ट्रैप कैमरा में स्पॉट हुई ही नहीं। अब हमें हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करना बहुत जरूरी था। उसी दिन हमें और एक न्यूज मिली कि उसी गाँव में एक लड़का है, उसने कुछ मुर्गियाँ पाल रखी थी, उनकी भी शिकार हो गई। इस दीवार के पीछे तेंदुए के बच्चे थे। माँ उनको लेके गई क्या? वो नहीं पता, पर बच्चे थे। इस बात को कितने दिन हुए होंगे? मम्मी कितने दिन हुए होंगे? ओ 8 दिन हुए। मुर्गियों की शिकार को 15 दिन हुए होंगे। उसके बाद भी वो विजिट करने आया था। जब वो पहली बार मुर्गियों को लेके गया तो मुझे वो कुत्ते का काम लगा, पर दूसरी बार मैंने उसे खुद रात को इस खिड़की से देखा, वो तेंदुआ ही था। सुबह मैंने उसके पैरों के बड़े बड़े निशान भी देखे। तो मुर्गियां ही थी जिनकी वो शिकार कर रही थी। 30 दिनों के बाद हमारे सामने एक और नया इलाका आया। अब ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो रही थी। हम जो बोल रहे थे कि इस साइड क्या है, वो बार बार इस साइड क्यों मूवमेंट कर रही है, तो वो क्वेश्चन मार्क एरिया शायद ये है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एरिया का थोड़ा सा सर्वे कर रहे हैं। कौन? हाँ क्या पगमा? हाँ चल 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 आजा। ये पगमा के यहाँ पे, ये जहाँ पे सर्कल किया है उसके एग्जैक्टली बीचों बीच वो पगमा से। गन्ने को पानी देते समय खेतों में उसकी मौजूदगी से डर लगता है। क्या एहतियात लेंगे हम? आप ही बताओ, वो तेंदुआ है, उससे हम क्या ही एहतियात लेंगे? उसने आज तक किसी मनुष्य पे हमला नहीं किया, इसलिए वो यहाँ है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमला हुआ तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। बस मन में वही डर है। उसको पिंजरे में डालकर कैद करना ही चाहिए। क्या ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि यहाँ बस्ती के लोग खेतों में काम करते हैं, हमारे छोटे बच्चे यहाँ हैं, हमारे जानवर यहाँ हैं, हमें उससे खतरा है क्योंकि वो उससे छोटे चीज पर हमला करता है। आपको क्या लगता है, तेंदुए को पिंजरे में डालना चाहिए क्या? इसमें कोई शक नहीं, उसको कैद करना ही चाहिए। ऊपर से इस नाले में उसके बच्चे भी हैं। उसे इधर ही क्यों नहीं रहने देना चाहिए? उसको इधर ही रहने दिया और कभी उसको खाना नहीं मिला तो वो किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर सकता है। जैसे जैसे हमको लेपर्ड स्पॉट होने लगा, तब 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 मेरे को लेपर्ड को देखने का नजरिया बदलने लगा। मैं उस डर को कम कर सका। कैसे? मतलब एक बोलते हैं ना कि जब आपके सामने एक अच्छा हट्टा कट्टा कोई भी इंसान खड़ा हो
और उसे उसको आप पहले ही नजर में देखोगे तो आप डरोगे कि अरे ये मुझे मार तो नहीं देगा ना ये, पर ये बातें क्यों आती है आपके मन में? अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, अगर आप उसको खुद से उंगली नहीं करोगे, तो वो हट्टा कट्टा इंसान आपको क्यों मारेगा? भले वो ताकतवर है, उससे डरना, उससे डर लगना ये नॉर्मल बातें हैं, पर क्या वो आपको मारता है जानबूझ के? नहीं। अब टाइम आ गया था कि हम इस नए इलाके में एक और सर्वे की शुरुआत करें। उस वक्त कुछ रोचक बातें हमारे सामने आईं। कुत्ते की शिकार वाला एरिया यानी कि अक्षय का घर जितना हमारे लिए गाड़ी से दूर था, उतना तेंदुए के लिए पैदल बहुत ही नज़दीक था। यानी कि असल में जहां कुत्ते की शिकार हुई थी और जहां से मुर्गियां उठाकर वो फीमेल खेतों में लेके गई थी, वो एक ही इलाका था। और इस पूरे कहानी का राज इस नाले के आसपास ही घूम रहा था। इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बाद अब हम तेंदुए की तरह सोचने लगे थे। बाद के दिनों में ट्रैप कैमरा की असफलता का कारण यही था कि वो बच्चों को लेकर कहीं और चली गई थी। अब हम पूरी तरह से क्ल्यूलेस थे। ये एक चक्रव्यूह भी था जिसमें हमने प्रवेश तो किया था, पर सक्सेस के साथ बाहर आने का रास्ता हमें नहीं पता था। सुबह 6 बजे वहाँ आगे खेतों में पानी पीते हुए मेरे भतीजे को वो दिखा था। उसके बाद बच्चे भी दिखे, वो वहाँ सब आगे चले गए हैं। इसलिए मैं खेतों में जाता ही नहीं हूँ। मैं एक तो बीमार आदमी हूँ, अगर भागने की नौबत आई तो मैं भाग भी नहीं सकता। लेपट से, लेपट की पॉटी से निकला हुआ बोन है जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे पूरा पॉटी में उसके बाल है। यहाँ पे ये हड्डी है, आई डोंट नो डॉग की होगी या किसकी होगी, पर इस एरिया में बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं। पीछे पगमार्क लगे हुए हैं, इधर उसका स्कैट है, फिर यहाँ पे बोन्स मिले हैं। तो ये छोटा सा एरिया में उसका रेगुलर मतलब वो यहाँ पे इसी एरिया में घूमती होगी, ऐसा हमको शक है। अगर रात को कोई लेडीज टॉयलेट के लिए घर के बाहर गई और उस वक्त अगर वो शिकार के मकसद से घर के आसपास हो तो खतरा हो सकता है, क्योंकि बैठे हुए इंसान पे वो कुत्ता या बकरी समझकर हमला कर सकता है। उसे इस गांव से कहीं दूर छोड़ दिया तो दूसरे गाँव के लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए तेंदुए को कैद करके उसे खाना पानी दिया तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तेंदुआ कभी जानबूझ के हमला नहीं करता। अगर आपने कभी उसे छेड़ा तो ही वो हमला कर सकता है। वो कभी जानबूझ के हमला नहीं करेगा। इन बेजुबान जानवरों को तकलीफ देना बराबर नहीं है, क्या लगता है आपको? हाँ, फिर उसे पकड़ना ही चाहिए, उसे पकड़ने की जरूरत है। अभी देखो, हमें डर नहीं लगता, पर दूसरे लोगों को तो लगता ही है ना। नहीं, आज तक किसी पे हमला तो नहीं किया है। आप ही बताओ, अगर तेंदुआ यहाँ होगा तो श्रमिक लोग या महिलाएं यहाँ काम करने आएंगी क्या? इसलिए उसको कैद करना ही चाहिए। एक इंसान को डर नहीं लगता होगा, पर दूसरों को तो लगता ही है ना। मैं नहीं डरता, पर अगर अचानक से सामने आ जाए तो मुझे भी डर लगेगा ही। नहीं, दिखा तो अच्छा ही है, पर दिखा तो डर लगेगा ही। डर आपका डर है, एनिमल भी आपसे डरता है, पर उसने ये सोचा है क्या कि मैं ये डर के मारे ये करूं वो करूं? जो भी कुछ है वो आपके ऊपर जिम्मेदार है, उसके लिए आप एनिमल्स को जिम्मेदार नहीं बना सकते। डर ये आपके मन में है। मैं ये क्यों बोलता हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये तो बात कॉन्फिडेंसली कैसे बोल सकता है, क्योंकि मैंने वो डर महसूस भी किया है और वो डर मैंने 10 दिन में कम भी कर सका हूँ। कितने लेपर्ड को अंदर डालोगे, कितने लेपर्ड अगर कैलकुलेट करें ना तो कितने लेपर्ड हो सकते हैं महाराष्ट्र में, इतना सोचो। वो लेपर्ड सब अगर हमने पिंजरों में डाल दिए, ये डाल दिए, तो यार हमको किसने हक दिया ये? कुत्ते पर हमला कुछ इस तरह से हुआ होगा। लेपर्ड रात के 2 बजे नाले से इस रास्ते से आया होगा, फिर छुपके से वो अक्षय के घर के करीब आया होगा। कुत्ता इस बात से बिल्कुल भी बेखबर होगा कि लेपर्ड उसके इतने नज़दीक है, और फिर उसको दबोचकर तेंदुआ उसे इस रास्ते से लेके गया होगा जहां आगे खेतों में हमें कुत्ते के अवशेष मिले थे। यानी कि ये घर लेपर्ड के इलाके में आता होगा जिसके कारण ये सब हुआ था।
ऐसे वक्त सावधानी बरतना ही समझदारी की बात होती है। जर तुमच्या एरिया हा बिबट प्रवण असेल तर तुम्ही शक्यतो रात्रीचा, अगर आपके घर के आसपास तेंदुवे का इलाका होगा तो बेवजह रात को घूमना आप टाला करो। अगर आपको रातों को खेतों में मोटर शुरू करने जाना है तो कम से कम दो या तीन आदमी जाना बेहतर होगा। उस समय आप टॉर्च का इस्तेमाल करो, आपके पास घुंघरू वाली काठी रखो या अगर मोबाइल होगा तो उस पे गाने बजाओ। सावधानी क्या लेनी है ये बातें सुनना बहुत ही सिंपल लगता है, पर उसे असलियत में निभाना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर हमने इन बातों को अपनी आदत बना ली तो, क्योंकि आदत बहुत मुश्किल से छूटती है। अगर आपके घर के आसपास तेंदुए का इलाका होगा तो बच्चों को स्कूल में छोड़ते समय या वापस लाते समय उनके साथ कोई व्यक्ति हो। अगर आपका घर गांव के किसी कोने में हो या खेती के नजदीक हो तो आपने विशेष ध्यान देना जरूरी है। तेंदुआ ज्यादातर छोटे जानवरों को शिकार समझता है, इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए। छोटी ऊंची जी वस्तु ही शिकार वाटू शकते, त्यामुळे विशेषता तुम्ही लहान मुलांवरती लक्ष देना फार गरजेचं आहे। आज हम एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ हमारी वजह से तेंदुए जैसे जानवर हमारे आसपास है। डेवलपमेंट की वजह से जंगल तोड़े गए और जंगल नष्ट होने के वजह से उनके घर बिखर गए, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शाम के 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक बच्चों को आंगन में अकेला मत छोड़िए, क्योंकि सुबह 9 बजे के बाद लोग खेतों में काम करने आते हैं, इसलिए जंगली जानवर डर के मारे खेतों में या जंगलों के बहुत भीतर चले जाते हैं। इस प्रकार से आप खुद की और दूसरों की मदद कर सकते हो। क्या हम इस सावधानी की बातों को एक कल्चर बना सकते हैं जिसमें हम भी सुरक्षित रहेंगे और तेंदुआ भी? और बाद में फिर ऐसा हो गया कि कैमरा ट्रैप सेट करने के लिए, फिर एक बार हमने चेक करने के लिए हम गए, तो जैसे हमने फार्म में एंटर किया तो वहाँ पे 2 एडल्ट लेपर्ड बैठे थे, और जैसे हम लोग ने उन्हें देखा तो धीरे धीरे वो निकलने लगे, और उसके बाद फिर वो शुगर फार्म में चले गए। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे अभी? ये पूरे पूरे इस पे ना पूरे रोड पे रोड पगमग लगे हैं। फिर बाद में हमने सोचा कि नहीं यार, ये लेपर्ड यहीं पे है। पहले एक फीमेल दिखी थी, अभी 2 एडल्ट है, और उसमें से एक लेपर्ड जो था वो थोड़ा अलग चल रहा था, उसके पैर को शायद कुछ लगा था। फीमेल और मेल लेपर्ड एक साथ दिखने के बाद हम पूरी तरह से कंफ्यूज थे। मेल लेपर्ड जनरली सिर्फ मेटिंग के वक्त ही फीमेल का साथ रहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता था कि बच्चों वाली फीमेल कोई और है और ये लेपर्ड का कपल कोई और। वापस जाते वक्त हमें एक जख्मी सांभार दिखा और उसे देखने के बाद हम और चौंक गए। नहीं नहीं, उसे पिंजरे में डालना चाहिए क्योंकि लोगों को उससे डर लगता है। मुझे भी लगता है कि उसे पिंजरे में डालना चाहिए क्योंकि मैं अकेले यहाँ खेतों को पानी डालने के लिए आती हूँ। यहाँ नाले के किनारे अकेले आने में मुझे डर तो लगेगा ही ना। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेपर्ड को पिंजरे में कैद करना है या फिर उसे उसकी आज़ाद जिंदगी जीने देनी चाहिए। अगर हमको किसी ने कैद करके रखा या घर में बंद करके रखा और मुफ्त का भोजन दिया तो हमें कैसा लगेगा? हम ऐसे रह सकते हैं क्या? हम जैसे हैं वैसे वो भी हैं। देखो, उनके भी इमोशंस हैं, उनकी बोलने की भाषा अलग है और अपनी भाषा अलग है। वो भी हमारे जैसे ही हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे बुद्धि का विकास उनसे ज्यादा हुआ है। उनका विकास उनके हिसाब से कुदरत ने बराबर किया है। अगर हमने उनको पिंजरों में रखा तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और फिर हमारा भी यही हाल होगा। अस्तित्व नहीं रहना कभी। विशेषता माजी खासकर हमारी ऐसी सोच है कि देखो, धरती पर अभी बहुत कम तेंदुए बचे हैं, इसलिए हम हमारे गांव की तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे सेव द टाइगर योजना है, वैसे ही हमें सेव द लेपर्ड की योजना यहां शुरू करनी चाहिए।
लेपर्ड की संख्या में इजाफा होना और जो लेपर्ड बचे हैं उनकी सुरक्षा होना, ये इस घड़ी की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जंगली जानवर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उन्हें भी पेन होता है, उनको भी कुछ तकलीफें होती है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है, मतलब उनको बोलना ही नहीं आता। तो इंसान होने के नाते हमें वो सब चीज़ें समझनी चाहिए कि उन्हें भी हक है जीने का, और हम अगर हर चीज़ में हमारा फ़ायदा देखेंगे तो फिर वो बेचारे जंगली जानवर जाएंगे कहाँ। तो इसीलिए हमारे टीम का स्लोगन है कि वी स्पीक फॉर दोज हु कांट, मतलब जिन्हें बोलना नहीं आता उनके लिए अब हम बोलते हैं और लोगों तक उनका जो इम्पोर्टेंस है हम वो पहुँचाते हैं, और जो जानवरों के लिए प्यार होना चाहिए वो हमें हर एक इंसान में देना दिखना चाहिए। 45 दिनों तक हमने इस प्रोजेक्ट में हमारा खून पसीना बहाया ताकि हम मनुष्य और तेंदुओं के बीच में होने वाले संघर्ष को कुछ कम कर सके। इस प्रोजेक्ट के दौरान मुझे दो बातों का एहसास हुआ, एक डर इंसान की सोच को अंधा कर देता है और दूसरी खतरनाक और शक्तिशाली में फर्क है। हम डर का पर्दा हटाकर एक समझदार शक्तिशाली वन्य जीव के आसपास अपना जीवन बिताने की ताकत रखते हैं। आने वाली पीढ़ी को और हमारे अपने बच्चों को हम एक खुशहाल धरती दे सके जिसमें हर एक वन्य जीव का उतना ही महत्व हो जितना एक इंसान का। 45 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में हम उनकी अच्छी तस्वीरें ले पाए। 6 महीने के बाद वो वापस आई थी। उसे हमने रागिनी नाम दिया, सुंदर और नीडर जीव। पहले वो किसी की बेटी थी, आज वो 3 बच्चों की माँ है और जिसमें उसका एक साथी भी है। जैसी हमारी फैमिली है वैसे उन खूबसूरत तेंदुओं की भी फैमिली इस घने गन्नों के खेतों में कई सालों से अपना जीवन शांति से बिता रही है। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप इन खूबसूरत शर्मीले जीव के साथ रहना चाहते हो या फिर इन्हें सिर्फ तस्वीरों में या खिलौनों में देखना चाहते हो।